हेलो एवरीवन, आज की वीडियो होने वाली है खास। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप सिंपल से साड़ी के ब्लाउज को एक डिजाइनर ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने, देखिए, यहाँ पे एक ब्लाउज लिया है जो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में है। मैंने यहाँ पे दो डोरी रेडी की है और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और मैंने ये बकरम लिया है, दो सेम साइज का और एक बड़े साइज का। यहाँ रेड फैब्रिक लिया है इसे डिजाइन करने के लिए, और लेस लिया है, लेस ऑप्शनल है। इसके बाद मैं बकरम के अकॉर्डिंग इसे मार्जिन देते हुए रेड फैब्रिक को कट कर दूंगी इस तरीके से। प्लेन वाले फैब्रिक को मैं दो लूंगी और जो प्रिंटेड है उसे मैं एक लूंगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लावर का पैटर्न है। मैंने यहाँ पे फ्लावर का पैटर्न लेते हुए इसे कैंची की मदद से कट कर दिया। हमेशा मार्जिन लेते हुए कट करिए। अब इसके बाद मैं इसके कॉर्नर को स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से अब सारे पैटर्न को मैं ऐसे ही स्टिच कर लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक पैटर्न को इस तरीके से रखा है, लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे, अपने कंधे के 4 सेंटीमीटर नीचे, और इसे बीचों बीच ऐसे डिजाइन करके रख दिया। अब मैं इसे इसके ऊपर रख के स्टिच कर दूंगी। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे पीसेस को रखते हुए स्टिच कर दूंगी। फ्लावर वाले पैटर्न को मैं बीच में रखूंगी। अब मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी मैंने क्या लिया है, पट्टी लिया है, उसे मैंने स्टिच कर दिया है कॉर्नर से। और यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ये दोनों पैटर्न को डिज़ाइन किया। मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल छोटे छोटे प्लेट्स लेते हुए इसके कॉर्नर के ओर मैं पूरा चुन्नट डालते जाऊंगी और एक डिजाइन बना लूंगी। देखिए धीरे धीरे करके आप प्लेट डालते जाइए, एडजस्ट करते करते। इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर का लेस अटैच कर दूंगी। तो लीजिए मैंने ये पैटर्न रेडी कर लिया है। मैं अब इसके बाद डोरी में मैं क्या लगाऊंगी, लटकन लगाऊंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, उसी रेड फैब्रिक को जो मैंने दो सेंटीमीटर चौड़ी ली थी उसे फोल्ड करके साइड से मैं स्टिच लगा दूंगी और अनइवन फैब्रिक को कट कर दूंगी और सेम चुन्नट डालते हुए
राउंड करके मैं यहाँ पे चुन्नट डालते जाऊंगी। ये सर्कल आप किसी भी प्लेट या थाली की मदद से राउंड शेप कट करके कर सकते हैं, और चारों तरफ चुन्नट डालते जाइए एडजस्ट करते करते। अब इसे मैं उल्टा फोल्ड कर दूंगी। देखिए ये सीधा हो गया। अब इसके ऊपर मैं वही लेस को अटैच कर दूंगी। और डबल स्टिचिंग कर दूंगी। अब इसे मैं हाफ कट कर दूंगी इस तरीके से। अब मैं अपने डोरी के एंड में इसे लगा के स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। देखिए मैंने इसे बना लिया। डबल स्टिचिंग कर दीजिए। तो लीजिए मेरा ये डिजाइन रेडी है। आप इस तरीके से अपने ब्लाउज को डिजाइन कर सकते हैं और इसे और ब्यूटीफुल और डिजाइनर लुक दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।